तो बद्रीनाथ का नामकरण एक्चुअली हुआ कैसे, ये पंडित जी ने अभी हमें हमारे इस वीडियो के माध्यम से बहुत से लोग इस कथा को जान पाएंगे और सही मायनों में इसकी हिस्ट्री क्या है वो समझ पाएंगे। पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल द 18 इंडियन एपिक्स पुराणास एंड द महाभारत वाज कंपोज्ड हियर। और इस वक्त मैं यहाँ गणेश गुफा के जो पुरोहित जी हैं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे दर्शन हो गए और बहुत सुख और शांति अनुभव कर रहा हूँ मैं। आपका नाम क्या है पंडित जी? वेणी प्रसाद। वेणी प्रसाद जी मेरे साथ में है और ये हमें बताने वाले हैं कि यहाँ की महत्ता क्या है, प्लीज़ बताइए। इस क्षेत्र में जो है भगवान के 17वें अवतार आए थे कृष्ण द्वैपायन। हाँ जी। यहाँ आने के बाद उन्होंने एक वेद के चार भाग किए थे। अच्छा। ऋगु, यजुः, साम, अथर्व जी, उनको उपाधि मिली वेदव्यास की। उसके बाद उन्होंने मन में विचार किया कि समाज में जो बिखरा हुआ ज्ञान मौखिक परंपरा में है, हाँ, उसको जो है कहीं समाप्त न हो जाए वो, क्योंकि कलयुग प्रारंभ होने वाला था। तो पंडित जी हमें बता रहे थे कि कलयुग प्रारंभ होने वाला था। हाँ पंडित जी, फिर? तो व्यास जी ने जो है मन में विचार किया, हाँ, कि जो मौखिक परंपरा उसको जो सुरक्षित रखा जाए। करेक्ट। उसके लिए जो उनके शिष्य इत्यादि थे उनको स्थान स्थान पे भेज के, हाँ, उस सारे ज्ञान का संग्रह किया गया। अच्छा। और उसको जय ग्रंथ का रूप दिया। अच्छा। जय ग्रंथ का रूप देने के बाद उसको जो है सूर्य जी को उपदेश दिया और कहा कि इसका प्रचार करो जाकर। ठीक है। फिर जो है उन्होंने मन में विचार किया है कि बिना लिखे हुए इनकी, हाँ, परंपरा जो है समाप्त हो जाएगी बिना लिखे हुए। बिल्कुल। तो इसलिए इसको लिखा जाए, तो गणेश जी का आह्वान किया था। गणेश जी ने शर्त रखी कि मैं लिखूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। गणेश जी ने शर्त रखी थी वेद व्यास जी के सामने कि मैं यदि लिखूंगा तो मैं रुकूंगा नहीं। करेक्ट। अच्छा, फिर? व्यास ने मन में विचार किया कि गणेश जी जो है विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता दोनों हैं। बराबर। जब हम स्वार्थ के लिए अपना केवल अपने को सोच के कार्य करेंगे तो गणेश जी वहाँ विघ्नकर्ता बन जाते हैं। बराबर। और जब समाज के लिए कार्य करेंगे लोकहित का, तो विघ्नहर्ता बन जाते, विघ्नहर्ता बन जाता है, क्योंकि गणेश जी को गणतंत्र का देवता माना जाता है। बिल्कुल। तो व्यास ने मन में विचार करके सोच समझ के शर्त रखी कि जो कुछ मैं बोलूंगा पहले आप समझना, उसको जो है भाव समझना, फिर आगे लिखना। जब तक भाव समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं लिखेंगे। अच्छा। तो गणेश जी ने शर्त रखी व्यास जी के सामने कि मैं लिखूंगा तो रुकूंगा नहीं, और व्यास जी ने उत्तर दिया कि ठीक है आप लिखिएगा लेकिन बगैर समझे ना लिखें, तो जो आपको समझ ना आए उसे आप ना लिखें, है ना? नहीं, लिखेंगे लेकिन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक लिखेंगे नहीं आगे। हाँ, समझ के ही लिखेंगे। तो व्यास जी क्या करते थे, बीच बीच में उनको समय चाहिए होता था, अपना संध्या वंदन करना है, नित्य कर्म करने हैं, कोई प्रसंग भूल जाएं, हाँ, उस प्रसंग को याद करना है, हाँ, तो वो क्या करते थे, कूट श्लोक बना देते थे। क्या बनाते थे? कूट। कूट, कूट बोलते हैं, हाँ, दरअसल कोड को। अच्छा। जो हम कोड शब्द बोलते हैं, कोड, कोड, हाँ, उसका जो संस्कृत में कूट बोलते हैं। कूट, ओके। तो उसका सही अर्थ निकालने में गणेश जी को जब बहुत समय लग जाता था। अच्छा। क्योंकि उसमें शब्दों का संयोजन ठीक से करने में, कॉम्बिनेशन बैठाने में उनको टाइम लगता था, तब तक अपना जय संध्या वंदन इत्यादि करके जब फिर से जो है बैठ जाते थे बोलने। ऐसे करके यहाँ पे जय ग्रंथ लिखा गया था, वही जय ग्रंथ बाद में पंचम वेद के रूप में इतिहास और पुराण, 18 पुराण, हाँ, और महाभारत के रूप में जो है हमारे सामने आता है। अच्छा। तो वही जय ग्रंथ जो है वो हमारे पुराणों और महाभारत, जो हमारा महाकाव्य है हिंदू धर्म का, उसके रूप में हमारे सामने आया है। क्योंकि प्रत्येक पुराण और महाभारत को यदि पढ़ेंगे, हाँ जी, उसमें एक श्लोक आता है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, जो भगवान नारायण हैं जी, नर हैं, भगवती मूर्ति माता हैं, सरस्वती हैं, गंगा जी हैं, सबको प्रणाम करके, हाँ, बोले मैं जय ग्रंथ को बोलता हूँ। अच्छा। पुराण में भी यही श्लोक आएगा, नाम नहीं आएगा पुराण का जी, पुराण के अंदर भी यही आएगा। तो मूल रूप में जय ग्रंथ था, बाद तो में जब नर और नारायण को प्रणाम करके जी मैं आरम्भ कर रहा हूँ जी, क्योंकि नर और नारायण यहाँ के जो सामने पर्वत है नारायण पर्वत जी, ये वाला पर्वत जो है, ये जो है ये नारायण पर्वत है जी, और ये नर पर्वत है जी, ये जो है भगवान के चौथे नर पर्वत, ये है इस तरफ जिस पर हम बैठे हैं, जहाँ हम लोग अभी हैं, ये नर है पर्वत, और सामने वाला जो अभी हमने दिखाया आपको ये नारायण पर्वत है जी। हाँ पंडित जी। और जब भगवान तपस्या के लिए आए थे दोनों यहाँ, तो लक्ष्मी जी ने जो है बेर जो फल होता है, हाँ, उसकी झाड़ी बन के जो है भगवान नारायण की रक्षा की थी ऊपर से। अच्छा। तो भगवान जब समाधि से उठे तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी मुझसे ज्यादा तपस्या तुमने की है, इसलिए पूरा क्षेत्र जो है तुम्हारे नाम से होगा। तो बेर को संस्कृत में बद्री बोलते हैं जी, उसी से यहाँ का नाम पड़ा बद्रीनाथ। अच्छा। तो बद्रीनाथ का नामकरण एक्चुअली हुआ कैसे,
ये पंडित जी ने अभी हमें बताया कि बेर को संस्कृत में बद्री कहा जाता है, लक्ष्मी जी का रूप थी और वो लक्ष्मी जी का ही रूप थी, तो उनको ये आशीर्वाद दिया भगवान नारायण ने, और इसलिए बद्री के नाथ अर्थात भगवान विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु जिनका निवास स्थान यहाँ पर है। क्या बात है पंडित जी, ये आपने आज हमारी यहाँ की जो यात्रा है उसे सही मायनों में सार्थक और सफल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं और मेरा परिवार, और मैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से बहुत से लोग इस कथा को जान पाएंगे और सही मायनों में इसकी हिस्ट्री क्या है वो समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।